इंडिया पोस्ट, डाक विभाग की भर्ती की हकीकत। जी हाँ साथियों, डाक विभाग में अभी भारत में प्रतिवर्ष मेरिट बेसिस के आधार पर भर्ती की जा रही है। आलम यह है कि टॉपर भी नहीं पढ़ पा रहे चिट्ठियों में लिखे पते। जी हाँ, चिट्ठियों में जो पते लिखे होते हैं वो पते टॉपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए भर्ती नियमों में बदलाव की मांग उठ रही है। जो पुराना भर्ती नियम था वही अच्छा था, लेकिन अब जो मेरिट बेसिस के आधार पर ऑल इंडिया जो है आवेदन करने की प्रक्रिया रखी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है भर्ती विभाग में, पोस्ट ऑफिस विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आइए इसी विषय पर बात करें इस वीडियो में। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में हजारों पद निकल रहे हैं प्रतिवर्ष, और उनके लिए योग्यता रखी गई है 10वीं पास, मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मेरिट के आधार पर भर्ती हो रही है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डाक विभाग में भर्ती होने के बाद सामने आई हकीकत। जी हाँ, टॉपर नहीं पढ़ पा रहे चिट्ठियों पर लिखे पते बन गए ग्रामीण डाक सेवक। चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं साथियों, जिनका 98, 99, 100% 10वीं में लेकर आया है कोरोना काल में, वे पता भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। चिट्ठियों में जो एड्रेस रहता है उनको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। डाक विभाग में पिछले दिनों ही मेरिट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती हुई है, और कल ही जो है इसके लिए पुनः तीसरी सूची निकला हुआ है। और तीसरी सूची में भी जब आप लिस्ट को देखते हैं साथियों, तो 97 से ऊपर वालों का ही नाम मेरिट सूची में आया है। अब ये वही साथी हैं, वही बच्चे हैं, वही स्टूडेंट हैं जिनका कोरोना काल में पास आउट है, अर्थात ऐसे बच्चे चिट्ठियों में लिखे पते भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको डाक सेवक की नौकरी मिल रही है। इसलिए जो है संघर्ष समिति ने मांग उठाई है, और ये मांग है नियमों में बदलाव को लेकर। जी हाँ, GDS भर्ती नियम में बदलाव किया जाए, 2010 की भर्ती को पुनः बहाल किया जाए। 2010 में जिस नियम के आधार पर भर्ती होती थी उसी नियम को पुनः लागू किया जाए, और वर्तमान में ये जो नियम चल रहे हैं उसको बंद किया जाए। कोरोना काल में वर्ष 2019 से 22 की 10वीं मार्कशीट के आधार पर जो भी भर्ती हुई है उनकी सर्कल स्तर पर 10वीं के विषयों के आधार पर लिखित परीक्षा करवाने की भी मांग संघर्ष समिति के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए उनकी भर्ती रद्द की जाए। देखिए, पेपर लिया जाए विभागीय स्तर पर, यदि कम अंक आते हैं तो उनकी भर्ती को ही समाप्त कर दिया जाए। पेपर लीक मामले की जांच की तरह ही इस भर्ती की भी जांच करवाई जाए, ये मांग संघर्ष समिति द्वारा उठाई जा रही है। साथियों, आपको बता दूं कि जब 2010 में GDS की भर्ती हुई थी, पोस्ट ऑफिस की भर्ती हुई थी, तो इनके भर्ती नियम अलग ही थे। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कार्मिक उसी गांव व क्षेत्र का होना चाहिए था। देखो, उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए, उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए था, या आसपास के क्षेत्र हो जाए, स्थानीय भाषा के जानकार हो, इसके अलावा सरपंच या पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक करे, अर्थात वो प्रूफ दे कि ये हमारे ही क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उस स्थिति में फिर आप पात्र होते थे। लेकिन आज का आलम ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़ में बैठ के बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों में आवेदन कर रहे हैं और नौकरी के लिए भी जा रहे हैं। कुछ एक राज्य ऐसे हैं साथियों जहां पर कोरोना काल में बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ है और जिसके वजह से इनको सीधा लाभ मिल रहा है। आखिर चौंकाने वाले क्या खुलासे हो रहे हैं उसको भी देखिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाली हरियाणा पंजाब में गिरोह सक्रिय है। देखिए, इस पेपर कटिंग से बातें आ रही है कि कुछ राज्य ऐसे ही है जहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट भी बना हुआ है। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा खेल चला है इसका, अंक बढ़वाने के चक्कर में सबको हाई फाई नंबर दे दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके वजह से वे साथी जिनका पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग तो गया है लेकिन उनको चिट्ठी में लिखा हुआ पता भी पढ़ना नहीं आ रहा है। तो अब समय आ गया है साथियों कि इसमें बदलाव करें, भर्ती नियमों में बदलाव करें,
क्योंकि कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद जो भी भर्तियां हुई है, सही मायनों में वो भर्तियां नहीं कह सकती। या तो आप स्थानीय स्तर पर लिखित परीक्षा करवा सकते हैं। आपको मैं बढ़िया वाकया अपने क्षेत्र का बताता हूँ, जिसका 10वीं 12वीं में जो फैल हो गया था, कोरोना काल में उनका उद्धार हो गया और आज वही पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहा है। ऐसे अनगिनत केस आपको देखने को मिलेंगे जो कोरोना के पहले 10वीं में फैल हो गया और फैल क्या हुआ, उनकी जिंदगी बन गई। जी हाँ, जब वो फैल हुआ कोरोना के पहले, उनकी जिंदगी बन गई। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया और उनकी पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई, क्योंकि कोरोना आने से उनका हाई 5% मिल गया, जिसका पहले जो है कोरोना के पहले वो फैल हो गया था, वो अब कोरोना के बाद टॉपर बन गया और उसी टॉपर का आज नौकरी लग गया। आप स्वयं बताइए, जो 10वीं 12वीं में फैल हो गया है, कोरोना से निकला, वो आज पोस्ट ऑफिस की नौकरी कर रहे हैं, तो कहाँ से उनको चिट्ठी में लिखे पते पढ़ना आएगा। तो यही हाल है साथियों, इसलिए संघर्ष समिति के द्वारा पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती नियम है, उस नियम में बदलाव करने की जो मांग है उठाई जा रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें और नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।